Hello friends, today I am going to discuss with you a poem, Lamb. This poem is written by William Blake. तो आज विद्यार्थियों मैं आपके साथ एक पोइम डिस्कस करने जा रहा हूँ और उस पोइम का जो टाइटल है वो है सो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था टाइगर और टाइगर और लैम जो कि एक कॉन्ट्रास्ट के अंदर प्रस्तुत हुए हैं इसके अंदर ये बताया हुआ है कि कैसे ईश्वर ने दो विभिन्न और विपरीत चीजें बनाई हैं दो विपरीत जानवर और प्राणी बनाए हैं और दोनों ही अलग अलग हैं लैम जहाँ एक इनोसेंट है शर्मीला है शाकाहारी है वहीं हम देखते हैं कि टाइगर एक भयंकर खतरनाक और मांसाहारी है दोनों को प्रकृति ने बनाया ईश्वर ने बनाया क्या सोच के बनाया ये एक प्रश्न है तो एक कॉन्ट्रास्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ है और दिस पोएम लैम इज टेकन फ्रॉम Songs of Innocence and published in 1789. So this poem, Little Lamb who made thee, Dost thou know who made thee, gave thee life and made thee feet, by the stream and over the meat, gave thee clothing of delight, softest clothing woolly, if right, Little Lamb who made thee. वही था एक प्रश्न कर रहा है कि लैम को किसने बनाया किसने बनाया लैम को दोस्त दाओ हु नो हु मेड दी और गेव दी लाइफ एंड मेड दी फीट किसने तुमको बनाया कौन इस बात को जानता है कि किसने तुमको जीवन दिया किसने तुमको खाना दिया और तुमको बाय द स्ट्रीम ओवर द मीट और तुमको यहाँ छोड़ दिया जहाँ हम तुम्हें देखते हैं चलते हुए घूमते हुए उन हरे भरे चरागाहों के अंदर झरनों के आसपास तो ये साधारण सा मीट सा इनोसेंट सा जो क्रिएचर है लैम जिसको किसने बनाया जो बहुत ही एक जेंटल क्रिएचर है इसको किसने बनाया किसने इसको जीवन दिया किसने इसको खाना दिया और ये एक साधारण सा और बिल्कुल शर्मीला सा है जो उधर उधर घूमता रहता है हरे भरे चरागाहों के अंदर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के बिल्कुल बीच में हो गेव दी क्लोथिंग ऑफ लाइट सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग गूली ब्राइट गेव दी सच ए टेंडर वॉइस मेकिंग ऑन द पेल्स रिजॉइस और किसने तुमको इतनी अच्छी ये भूल से भरी हुई स्किन दी जो स्किन इतनी चमकीली है तुमको इतना गर्म रखती है ठंडे मौसम के अंदर तुमको इतनी साक्षी एक प्यारी सी आवाज उसने दी कौन है वो मेकिंग ऑल दी फील्स रिजॉइस और जब तुम बोलते हो तब तुम मिमिहाते हो तो पूरी की पूरी घाटी खुश नुमा हो जाती है खुशी होती है गूंजती है तुम्हारी उस आवाज से तो इसलिए ये साधारण सी ये कॉमन सी ये आवाज तुमको किसने दी है लिटिल लैम हू मेड दी किसने तुम्हें एक बार फिर से प्रश्न कर रहे हैं विलियम ब्लेक कि लैम तुमको किसने बनाया दोस्त दाऊ हू मेड दी किसने तुमको बनाया कोई नहीं जानता लिटिल लैम आई विल टेल दी लिटिल लैम आई विल टेल दी और मैं बताऊंगा तुमको ही इज कॉल्ड बाय द नेम और ही कॉल्स हिमसेल्फ लैम और यहाँ जीसस क्राइस्ट का जिक्र करते हुए विलियम ब्लेक थोड़े से रिलीजियस और धार्मिक हो जाते हैं आध्यात्मिक हो जाते हैं और वो उसकी तुलना लैम की तुलना जीसस क्राइस्ट ईश्वर से करने लगते हैं और कहते हैं
कि वो जीसस क्राइस्ट इसी लैम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सारे गुण जो जीसस क्राइस्ट में पाए जाते हैं, जिसमें करुणा है, दया है, एक साधारण जेंटल और मधुर ध्वनि वाले इस शर्मीले से लैम का दूसरा जो नाम है वो जीसस क्राइस्ट है। और ही कॉल्स हिमसेल्फ ए लैम, क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक लैम ही बताया था। ही इज मी, ही इज माइल, वो लैम की तरह एक शर्मीले से साधारण से जेंटल मधुर थे, इसी प्रकार लैम है। एंड ही बिकेम ए लिटिल चाइल्ड, वो स्वयं एक बच्चे बन गए। आई ए चाइल्ड एंड थाउ ए लैम, मैं एक बच्चा हूं, तुम एक लैम हो, तुम जीसस हो और मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूं। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम सब पूरी मानव प्रकट जाति, पूरी इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सब जो है लैम से ही तो जानी जाती है, ईश्वर से ही तो जानी जाती है, जीसस से ही तो जानी जाती है। हम सबके अंदर जीसस है, हम सबके अंदर जीसस विद्यमान है। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। और यहाँ आत्मा विलियम ब्लेक कहते हैं कि लिटिल लैम, वो ईश्वर तुमको ब्लेस दे, आशीर्वाद दे, और तुम जैसे हो वैसे तुम्हें बना के रखे, और ईश्वर की कृपा हमेशा बनाए रखे, उस प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर बनाए रखे। सो हियर द पोएम टॉक्स अबाउट लैम, ए लिटिल लैम हु मेड दी, थाउ हु नो हु मेड दी, गेव दी लाइफ एंड दी फीड बाय द स्ट्रीम ओवर द मी, गेव दी क्लोथिंग ऑफ लाइफ। एंड देयर इज ए क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज नाउ प्रेजेंटेड बाय द पोएम हु मेड दी लैम, अ जेंटल अ स्वीट क्रिएचर, एंड दिस क्रिएचर ऑलवेज सीन grazing in meadows, and somewhere near the stream, and the voice is so sweet that echoing the whole valley, and the valley feels delighted by the voice of the lamb, and the skin is so bright and so good, and when we touch this skin, it is very very good feeling and comfort feeling. We feel comforted by the touch of the wool or the skin of the lamb. And who made this skin? Who made this skin? And the soft clothing gave this such a tender voice. And who gave the voice a tender voice? And the bellies feel delighted here. So little lamb, who made thee? Thou know who made thee? Nobody knows who made thee, but I have a question, I have an answer of the question, and I will tell you who made this lamb, because in the next stanza he is called by the name, for he calls himself a lamb, he is a me, he is mine, he became a little child. So here he is called by the name, here the poet refers to Jesus Christ. Jesus Christ is known by the name, by lamb. And Jesus Christ is also so generous, so kind, and so innocent that can be compared to lamb. For he calls himself a lamb, because Jesus Christ himself called a lamb. Jesus Christ is a meek, he is mild, just like lamb. I am child of a lamb. And poet here says that I am a child, you are the lamb, you are Jesus Christ, and we are the part of the whole cosmos and the part of Jesus Christ or God. So we are the part of Jesus Christ, we are particles of God. There lamb is the name of Jesus Christ, and I am also Jesus Christ. So we are also called by the name of Jesus Christ, we are named by the lamb. Lamb here is Jesus Christ, and
Jesus left his white cross to Jesus Christ because you have been. All the traits of Lamb are in Jesus Christ here. And the last stanza the poet says that God blessed his Lamb and the second form of God. So here you have now given the meaning of the poem. Thank you very much.